स्क्रिप्टेड सब कुछ प्रॉप। आज फिर से एक बार जा रहे हैं अपन गांव की और मतलब मालवन आसरा। बहुत एक्साइटेड, आपको अपडेट दूंगा ये वीडियो में कि रास्ता कैसा है जाने का वहाँ पे, और आपको एक्चुअल में वो रूट लेना चाहिए नहीं, मतलब मुंबई गोवा हाईवे NH 44 या 64 कुछ तो है, वो कंफर्म नहीं है, वो आपको जाते जाते पता दूंगा मैं। मुंबई गोवा हाईवे का काम कितना हुआ है या आपको जाने के लिए कितना टाइम लगे है, वो आपको ये सब आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, देखते हैं कितना टाइम लगता है गांव पहुँचने के लिए। अभी 4:30 बजे 5 बजे तक मैं ट्राई करूँगा निकलने के लिए। होप फॉर द बेस्ट, जल्दी जल्दी सामान है वो पैक करके गाड़ी में रखते हैं और अपन निकलते हैं गांव की ओर। थोड़ा क्विक अपडेट, अभी मैंने पानी क्रॉस किया है और अपना NH 66 लग गया है, मतलब स्ट्रेट मुंबई गोवा हाईवे। अभी रास्ता तो बहुत अच्छा है यार, इसका कुछ टेंशन नहीं है। लेट्स सी कब तक घर पे पहुंचता हूँ। सोलो राइड है तो बहुत मज़ा आएगा, पर पहली बार कर रहा हूँ मैं ऐसा, बाइक से तो किया हूँ लास्ट टाइम, अभी कार से सोलो ड्राइव एकदम बढ़िया वाला। बहुत अच्छा लग रहा है यार, जो चाहिए वो गाना सुनो, जिधर चाहिए उधर रुको, टाइम पास करते करते जाओ। अभी बजे है 7 सुबह के 7 और अराउंड मोटा मोटा 100 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया है मैंने, और अभी 350 किलोमीटर ही बाकी है। आता महाड येईल आणि आतापर्यंत रस्ता तर खूप चांगला आहे, आई मीन अच्छा, बहुत अच्छा है। आप किसी के भी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आने के लिए गोवा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे अच्छा है, आई मीन आप आ सकते हो लेकिन पाली से आओ खोपली होके, तो आपको बेटर रहेगा, रास्ता अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पेन होके आओगे तो थोड़ा रास्ता आपको ख़राब मिल जाएगा। आपको अगर वो रास्ता अवॉइड करने का है तो आप पाली होके आ सकते हो। मेरा तो रिकमेंड वही रहेगा कि आप पाली होके आओ, तेच तुम्हाला बेटर राहील, आरामात येईल, तुमच्या कुल्यांना पण आराम मिळेल। तुमच्या कुल्यांना पण आराम मिळेल, दाढ दगदग होणार नाही आणि पोटात ढवळणार पण नाही। आप कोणसा गाणं रिकमेंड करते हो वाईल ड्रायव्हिंग, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन से गाना पसंद है ड्राइव करते समय। मेरा तो ऐसा सीन है कि मैं सुबह निकलता हूँ तभी मैं पूरे भगवान के या फिर शंकर के गाने बजाता हूँ, भोले बाबा के, तो उसके बाद जाके थोड़ा बहुत सॉफ्ट म्यूजिक चालू करता हूँ मैं। और मुझे तो वाइल्ड ड्राइविंग ढिंचक पसंद ही नहीं है। एकदम आराम से, शांति से, पीसफुली मुझे ड्राइव करना पसंद है। मैं रिकमेंड करता हूँ मेरे गाने सब भगवान के हो या फिर एकदम अच्छे पुराने हिंदी या फिर जो जो लेट बोलते हैं ना 2010 या 2015 तक जो भी गाने अच्छे अरिजीत सिंह के या फिर आतिफ असलम या फिर जो भी है, तो उन लोग के सुन लेता हूँ मैं। ज़्यादा नए गाने इतने सुनता नहीं हूँ, थोड़ा पुराने किस्म का आदमी हूँ मैं। चलो अभी देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। अभी भूख लगी है और मुझे एक सुसु ब्रेक भी लेने गए, अभी मुंबई गोवा हाईवे का न्यू मुंबई गोवा हाईवे का ये फर्स्ट टोल गेट है जो कि महाड़ के एग्जैक्ट बाद में है। महाड़ क्रॉस करोगे उसके बाद आपको ये पहला टोल गेट मिलेगा। अभी मेरे हिसाब से 4 मिलते हैं मुझे कनकवली तक पहुँचते तक। अभी देखते हैं काउंट करते कितने टोल गेट मिलते हैं। मुंबई वालों को खुशखबर, जो अपना कचेड़ी का बोगदा है, टनल है, वो अभी तक चालू है। कभी भी आप मालवन या फिर गोवा जाओगे तो आपको ये रास्ता चालू मिलेगा। घाट चढ़ना नहीं है, घाट से पहले लेफ्ट साइड में एक टर्न आता है तो ले लेने का, उसके बाद आपको आएगा डायरेक्ट ये टनल। डायरेक्ट आपका आधा से 20-25 आधा घंटा तो आपका कहाँ पे भी नहीं गया बच जाएगा। और 20-25 किलोमीटर बच जाते हैं इस टनल से और फास्ट अपना सफ़र कट जाता है। पूरा कंप्लीट नहीं है काम, बट स्टिल
वन साइड ओपन है आने के लिए, मतलब मुंबई टू गोवा जाओगे तभी आपको ये रास्ता मिल जाएगा, लेकिन आप अगर गोवा से मुंबई की तरफ आ रहे हो तो आपको अनफॉर्चुनेटली घाट चढ़ना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ अपडेट है, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। मैं महाड़ पे रुका था CNG के लिए, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइन थी ना तो मैंने वापस स्किप कर दिया। तो आगे 50 किलोमीटर्स खेड़ में, खेड़ अभी यहाँ से 5-10 किलोमीटर रहेगा, तो उसके पहले एक CNG पंप है। ऐसा कुछ आपको बोर्ड दिखाई देगा लंबे से। सो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं थी तो मुझे फटाफट CNG मिल गया। तो अभी थोड़ी सी लाइन हो गई है, लेकिन मैं जब आया था तभी एक भी नहीं लाइन, एक भी कोई नहीं था। सो मेरा आधा घंटे से ज़्यादा ये टाइम बच गया, लेकिन वहाँ पे रुकता था मैं तो मेरे को 1 घंटा लग ही जाता था, तो अच्छा है। तो आगे आके मैंने CNG डाला, थोड़ी पेट्रोल पे चली गाड़ी लेकिन ठीक है। सो ये आज के दिन का दूसरा टोल गेट, चिपळूण के पहले 25 किलोमीटर्स है। सो मुंबई गोवा हाईवे का ये दूसरा टोल। सो अभी बजे है 10 और हम लोग अभी चिपळूण पहुँच गए। सो 5:30 बजे निकले थे और 10 बजे, मतलब अराउंड 4.5 घंटा हो गया। 4.5 घंटे में चिपळूण पहुँचे, बल्कि बहुत अच्छी बात है, नॉट बैड। नहीं तो पहला मला लागायचे डायरेक्ट 6-7 तास चिपळूणला पोचायला, जेव्हा रस्त्याचं काम चालू होतं। पण आता ऑलमोस्ट रस्ते अच्छे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको दिक्कत नहीं होगी आने के लिए। सो अपने सफ़र का ये तीसरा टोल गेट जो है चिपळूण क्रॉस करने के बाद 30 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से सावरडे मैंने जस्ट क्रॉस किया और उसके बाद ये टोल नाका लगा है। सो ये तीसरा टोल नाका और एक मेरे ख्याल से और एक टोल नाका बाकी है। सो वो कब लगता है देखते हैं, अभी फिलहाल तो 3 लग चुके हैं अपने को टोल नाका गांव पहुँचते। सो बी प्रिपेयर्ड गाइस, 4 टोल नाका लगने वाले हैं आपको कनकली पहुँचने तक। और मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट 70% रास्ते का काम तो हो गया है, बस अभी लास्ट 30% बाकी है, वो अभी दिसंबर तक हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो और रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे चालू हो गया है झगड़ा, मारामारी चालू है, क्या बता क्या सीन। सो अभी हम मेरे साथ ये सीन हुआ कि मैं 30 किलोमीटर भटक गया था, चकवो लागलो माका, एक असा फाटा है तो रत्नागिरी सोडल्यानंतर, तर उधर से मेरे को तिकडनं राईट मारायचं असतो, पण मी नेहमी चुकतो, लेफ्ट जातो, पण जेव्हा कोणाकोण सोबत असतं म्हणून ते सांगतात मला की लेफ्ट नाही आहे राईट मारायचं, पण यावेळी मी एकटाच होतो तर मग मी चुकून लेफ्ट मारला। आणि आता खूप अर्धा तास फिरून मी परत माझ्या रोडवरती लागलो आहे। सो थोडा यहाँ पे मार खा लिया मैंने 1/2 घंटे का, ठीक है, कुछ ना कुछ होता ही है, तो ये टाइम यही सही। सो अभी परत आपल्या जुन्या रस्त्यावरती लागलो आहे, आता बघू इकडनं कणकवली किती तासात पोहोचतोय। आता 1 वाजलाय दुपारचा, अजून कणकवली 70 किलोमीटर्स आहे इकडनं, तर 1-2 अडीचपर्यंत आपण घरी पोहोचून जाऊ अशी शक्यता आहे, लेट सी किती टाइम लागतो। सो आता दुपारचे वाजलेत 1, तरी पण मला अजून 1 टर्न चुकल्यामुळे अजून रस्ता नाही मिळालाय, तर आता एका लोकांना लोकलला विचारलं मी तर इकडनं सरळ सरळ जाऊन कणकवलीला हा रस्ता बाहेर पडतो असा बोललेला तर आहे सर, होप फॉर द बेस्ट, बघूया कुठे बाहेर पडतो, थोडा न्यू रूट एक्सप्लोअर करूया। चकवो लागलो रे। अला रस्ता चुकलोय, पण एवढा भारी रस्ता मिळाला ना चालवायला गाडी, जाम मजा येते चालवायला, फुल डांबराचा रस्ता आणि एक भाई पॅच खराब नाही इकडे, असा रस्ता भेटला ना भाई तर गाडी चालवायला जी जी मजा येते ना, टायरचा पण आवाज येत नाही, एवढा स्मूथ रस्ता आहे, बेस्ट आहे भाई, बेस्ट आहे। सो 1:30 वाजलाय आणि आता जस्ट मला हायवे मिळाला आपला NH66। सो आता बघू
कणकवलीला कधी बसायला पाहिजे. आता 1:30 ऍक्च्युअल मध्ये आता कणकवलीला पोहोचायला पाहिजे होतो मी, पण ठीक आहे, रस्त्याच्या चुकामुक झाली, हार नाही मानेंगे, सफर तो कटता ही रहेगा. चलो अभी पहुंचते हैं फटफट कणकवली, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ. सो ये माइट बी लास्ट टोल है, फोर्थ टोल नाका मुंबई टू गोवा हाईवे का, जो पुराना हाईवे उसमें का ये लास्ट टोल, मतलब इधर इसके बाद डायरेक्ट अभी कणकवली आएगी. 40 किलोमीटर्स रहेंगे कणकवली, तो कणकवली से राइट मारेगा तो आचरा मेरा गांव. सो बस 4 टोल नाका ही लगते हैं न्यू हाईवे पे. अभी देखना पड़ेगा कि इनके अभी रेट्स क्या है, कितने सस्ते में अपन गांव पहुंच जाएंगे. अभी फिलहाल तो काम चालू रास्ते का, तो कुछ टेंशन नहीं है. अभी एक साल भर तो और टोल नहीं रहेगा, उसके बाद टोल चालू होगा. सो होप फॉर द बेस्ट. सो अभी टाइम हुआ है 2:20 और अपन पहुंच गए हैं कणकवली. एक घंटा अपन लेट है, लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा रास्ता भटक गए तो कुछ नहीं. तो अभी फाइनली पहुंच गए कणकवली. यहाँ से अभी 30 किलोमीटर अंदर मेरा गांव. बस मस्त था रास्ता, मस्त था सफर. अभी घर पहुंचने के बाद आपको दिखाता हूँ. सो ये आप देख सकते हो, हमने भाजी लगाई थी, वो कितनी मस्त आई है. अभी ये लाल पाला, वहाँ पे भिंडी है, और यहाँ पे लगाया था हम लोग ने कलिंगड़, यहाँ भी वाटरमेलन. सभी देखते हैं कभी तक आता है ये. लाल पाला तो ऑलमोस्ट खाने के लिए रेडी है, और कल रात को आया था, नहीं कल दोपहर को, मैं 3 बजे तक आ गया था, 1 घंटा भूल गया. और बस मच्छी लोग को डाल दिया पॉन्ड में, और आपको रोड का अपडेट तो मिल गया रहेगा. तो आपको किसी भी तरह से ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए बाय बाय.